नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और आज हम फिर से हाजिर है हर रोज की तरह राजनीति दुनिया कुछ बेहद ही अहम न्यूज को लेकर के। और एक बार फिर से आज जो हम न्यूज लेकर के आ रहे हैं वो बिहार की धरती से जुड़ा हुआ न्यूज है और बेहद ही खास है। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद फिर से RJD के अंदर एक राजनीति देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक और भेदभाव, या फिर यूं कहें कि परिवार के अंदर राजनीति होता दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनाव के इस मौसम में तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि मैं हूं बिहार का दूसरा लालू प्रसाद यादव, और कहीं ना कहीं इसके बाद RJD में ऐसी कयास लगाई जा रही है, या फिर जो नेतागण हैं वो ऐसे चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने भाई के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। जी हाँ, भारत की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिससे बिहार के बारे में कुछ पूछा जाए तो सीधा सीधा लालू का नाम लेते हैं। भले मॉडर्न युग में बिहार हर तरफ नीतीश के चर्चे हो, पर पुराने जमाने के लोगों में लालू की लोकप्रियता अभी भी वैसी ही है। वैसे लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे अंतिम दौर में पहुंच रहा है, लेकिन बिहार में चुनाव फीका सा लग रहा है। इसकी वजह पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हैं और इनकी गैर मौजूदगी में चुनाव में चुटेले भाषण गायब से हो गए हैं। लेकिन दूसरी ओर उनके परिवार में विरासत को लेकर के खींचतान भी जारी है। दरअसल बिहार के जहानाबाद में आयोजित रैली में तेज प्रताप यादव ने खुद को बिहार का दूसरा लालू प्रसाद यादव घोषित कर दिया है। तेज प्रताप का यह ऐलान एक तरीके से अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत में दावा ठोकने के बराबर है। गौरतलब है कि लालू की गैर मौजूदगी में एक तरह से पार्टी का काम काज देख रहे छोटे भाई तेजस्वी के ऊपर तेज प्रताप कई बार हमले कर चुके हैं। हालांकि कैमरे के सामने दोनों भाई हमेशा गले मिलते हुए नजर आते हैं, पर दिल में दूरी बरकरार है। वैसे जहानाबाद की रैली में तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत ही ऊर्जावान है और वह एक दिन में 10 से 12 कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अभी के नेता 2-4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद थक जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में भाई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में उन्हीं पर निशाना साधा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीमार होने की वजह से कई रैलियों को कैंसिल कर दिया। और वैसे तो तेज प्रताप के भाषण में से आप समझ सकते हैं कि वह कहां और किस पर निशाना साध रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव का खून हूं और वो मेरे आदर्श और गुरु भी हैं। तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं ही बिहार का दूसरा लालू प्रसाद यादव हूं। और वही इसके बाद तेज प्रताप यादव आगे बढ़ते हुए कहा कि आजरी के टिकट पर कुछ चापलूसों को बांटे गए हैं, और उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनका प्रत्याशी जहानाबाद में 1,00,000 से अधिक वोटों से जीतने वाला है। आपको बता दें कि तेज प्रताप जहानाबाद में RJD प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के समर्थन में रैली करने आए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारण लोकसभा सीट से जैसे ही तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को सारण से टिकट दिया गया, उसी दिन से दोनों भाइयों में मनमुटाव और बढ़ गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारण लोकसभा सीट से जैसे ही तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को सारण से टिकट दे दिया गया, उसी दिन से दोनों भाइयों में मनमुटाव बढ़ गया। और सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव कई बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं तेज प्रताप इस बात से नाराज हैं कि पिता की सीट को परिवार के ही किसी सदस्य को क्यों नहीं दी गई। वैसे तेज प्रताप के द्वारा खुद को दूसरा लालू कहना यह साफ बता रहा है कि राजद में अभी और जंग होना बाकी है। भले ही लालू तेज प्रताप को किनारे करके तेजस्वी को भाव दे रहे हो, पर चुनाव में जिस अंदाज से तेज प्रताप जनता के सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि लालू भी आसानी से तेज प्रताप को दबा नहीं पाएंगे। फिलहाल तेज प्रताप ने खुद को दूसरा लालू प्रसाद यादव कह करके तेजस्वी को एक तरीके से चैलेंज भी दे दिया है। अब देखते हैं कि लालू और तेजस्वी इस पर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन यह तो तय है कि भले ही दोनों भाई कैमरे के सामने गले मिले या एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना बोले, लेकिन जो मन में जो एक भेदभाव या मनमुटाव है वो सामने कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। और तेज प्रताप अक्सर अपने दिल की बात को उजागर करने में पीछे नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं अपने मन की बात कह जाते हैं। रैलियों में हो या अपने किसी मीटिंग में हो या फिर इंटरव्यू में हो, तेज प्रताप की बातों को अगर गौर किया जाए तो उसे साफ साफ पता लगता है कि वो अपने पार्टी से खुश नहीं है, और इसी की वजह से वो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। चलते चलते हम जानना चाहेंगे आपकी राय, आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी से एक बेहतर लीडर के रूप में उभर सकते हैं, या क्या तेज प्रताप के अंदर वो छवि है जो लालू यादव के अंदर थी, और क्या तेज प्रताप यादव को RJD का कमान संभालना चाहिए। ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर के आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही बिहार, यूपी और देश भर की अन्य खबरों को लेकर के, बेहद इंटरेस्टिंग न्यूज को लेकर के। देखते रहे हमारा न्यूज चैनल, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।